आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। समस्तीपुर बिहार राज्य का वो जिला है जो बहुत ही तेजी से विकसित होने के लिए जाना जाता है। इस जिला ने और यहाँ के जिला वासियों ने समस्तीपुर जिला को बुलंदियों पर पहुँचाया है। वहीं मिथिला की पहचान बिहार के किसी भी जिले से होती हो तो उसमें बहुत बड़ा योगदान समस्तीपुर जिले का ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप समस्तीपुर ज़िले की उन अहम बुलंदियों को जानेंगे जिसे हर बिहारी को जानना चाहिए, क्योंकि समस्तीपुर ज़िला ने बिहार को नए आयाम और पहचान दिलाने में भरपूर योगदान दिया है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। समस्तीपुर एक समृद्ध जिला है। समस्तीपुर में दो भाषा मैथिली तथा वज्जिका सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यह जिला राजा जनक के साम्राज्य का अहम अंग रहा है। समस्तीपुर जिला बिहार के मध्य भाग में बसा है। वहीं समस्तीपुर जिला को मिथिला का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस जिले का हेडक्वार्टर समस्तीपुर शहर में मौजूद है। समस्तीपुर जिला पहले दरभंगा जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ इस शहर ने अपने आप को इतना समृद्ध बनाया है कि आज ये खुद जिला बन चुका है। इस जिले का गठन 14 नवंबर साल 1972 में किया गया था। समस्तीपुर जिले का इतिहास देखा जाए तो इस जिले का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। इस जिले का परंपरागत नाम सरैसा है। समस्तीपुर भारत गणराज्य के बिहार प्रांत में दरभंगा प्रमंडल स्थित एक शहर और जिला है। इसका मुख्यालय समस्तीपुर है। समस्तीपुर के उत्तर में दरभंगा, दक्षिण में गंगा नदी और पटना जिला, पश्चिम में मुजफ्फरपुर और वैशाली तथा पूर्व में बेगूसराय और खगड़िया जिला है। यहाँ शिक्षा का माध्यम हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी है, लेकिन बोलचाल में मैथिली और वज्जिका ही बोली जाती है। मिथिला क्षेत्र के परिधि पर स्थित यह जिला उपजाऊ कृषि प्रदेश है। समस्तीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मंडल भी है। समस्तीपुर राजा जनक के मिथिला प्रदेश का अंग रहा। विदेह राज्य का अंत होने पर यह वैशाली गणराज्य का अंग बना। इसके पश्चात यह मगध के मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त शासकों के महान साम्राज्य का हिस्सा रहा। हेनसोंग के विवरणों से यह पता चलता है कि यह प्रदेश हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंतर्गत था। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के समय मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्रों का बंटवारा हो गया। उत्तरी भाग सुगौना के ओइनवार राजा 1325 से 1525 ईस्वी तक इनके कब्जे में रहा, जबकि दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग शमसुद्दीन इलियास के अधीन रहा। ओइनवार राजाओं को कला, संस्कृति और साहित्य का बढ़ावा देने के लिए जाना जाता रहा है। शिव सिंह के पिता देव सिंह ने लहरिया सराय के पास देवकुली की स्थापना की थी। शिव सिंह के बाद यहां पद्म सिंह, हरि सिंह, नरसिंह देव, धीर सिंह, भैरव सिंह, रामभद्र, लक्ष्मीनाथ, कामस नारायण राजा हुए। शिव सिंह तथा भैरव सिंह द्वारा जारी किए गए सोने और चांदी के सिक्के यहाँ के इतिहास ज्ञान का अच्छा स्रोत है। अंग्रेजी राज कायम होने पर तिरहुत मंडल के अधीन समस्तीपुर अनुमंडल बनाया गया। बिहार राज्य जिला पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर इसे दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत जिला बना दिया गया। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हुए स्वतंत्रता आंदोलन में समस्तीपुर के क्रांतिकारियों की भूमिका अहम रही। वैसे तो ये सारा जिला उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, किंतु हिमालय से निकलकर बहने वाली नदियां बरसात के दिनों में बाढ़ की मुसीबत ले आती हैं। समस्तीपुर जिले के मध्य से बूढ़ी गंडक, उत्तर से बागमती नदी और दक्षिण तट पर गंगा बहती है। इसके अलावा यहाँ से बाया भाग में जमुआरी, नून, करेह और शांति नदी भी बहती है, जो बरसात के दिनों में उग्र रूप धारण कर लेती है। राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर जिले में पूसा नामक स्थान पर है। समस्तीपुर तथा पूसा में केंद्रीय विद्यालय तथा बरौली में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। वहीं अगर इस शहर के टूरिस्ट
प्लेस के बारे में बात किया जाए तो विद्यापति नगर, शिव के अनन्य भक्त एवं महान मैथिल कवि विद्यापति ने यहाँ गंगा तट पर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। ऐसी मान्यता है कि अपनी बीमारी के कारण विद्यापति जब गंगा तट जाने में असमर्थ थे तो गंगा ने अपनी धारा बदल ली और उनके आश्रम के पास से बहने लगी। वह आश्रम लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। वहीं बाबा हरिहरनाथ महादेव मंदिर, बाबा हरिहरनाथ महादेव मंदिर ग्राम हरिहरपुर खेड़ी प्रखंड खानपुर जिला समस्तीपुर। यह बाबा का स्थान समस्तीपुर से 18 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है। इसी पंचायत में मसीना कोठी है जो अंग्रेज के समय का कोठी है। यहाँ पर उस समय में नील की खेती करवाया जाता था लेकिन देश आज़ाद होने के बाद यहाँ पर अब मक्के की खेती और अन्य फसल का अनुसंधान केंद्र बन चुका है। यहाँ के द्वारा तैयार किया हुआ बीज दूर दूर तक पहुँचाया जाता है। इसके निकट के गांव भोरे जयराम हैं जिसकी खेती करने का ज़मीन 2200 एकड़ के आसपास है जहाँ मक्के की खेती की जाती है। यह स्थान बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बछौली मुरियारों के स्वर्गीय धोली महतो ने अपनी मनोकामना पूरी हो जाने के बाद कराया था। इस मंदिर परिसर में बजरंग बली माँ दुर्गा श्री गणेश मंदिर भी है। यह मंदिर अपने शिवरात्रि महोत्सव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का उल्लेख होली के समय आकाशवाणी से प्रसारित गानों में भी होता रहा है। स्थानीय लोगों में इस मंदिर की बड़ी प्रतिष्ठा है और लोगों में ऐसा विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से मन मुताबिक फल मिलता है। इसके बाद करियन है। महामहर्षि कुमारली भट्ट के शिष्य महान दार्शनिक उदयनाचार्य जिनका जन्म करियन गांव में हुआ था। उदयनाचार्य ने न्याय दर्शन एवं तर्क के क्षेत्र में लक्ष्मणमाला, न्याय कुष्मांजलि, आत्मतत्व विवेक, किरणावली आदि पुस्तकें लिखीं जिन पर अनगिनत संस्थानों में शोध चल रहा है। दुर्भाग्य से यह महत्वपूर्ण स्थल सरकार की उपेक्षा की शिकार है। वहीं मालीनगर, मालीनगर शिव मंदिर है जहां प्रत्येक वर्ष रामनवमी को मेला लगता है। मालीनगर हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार बाबू देवकीनंदन खत्री और शिक्षाविद राम सूरत ठाकुर की जन्मस्थली भी है। मंगलगढ़, यह स्थान हसनपुर से कुछ दूर है जहां प्राचीन किले का अवशेष है। यहां के स्थानीय शासक मंगलदेव के निमंत्रण पर महात्मा बुद्ध प्रचार करने के लिए आए थे। उन्होंने यहां रात्रि विश्राम भी किया था। जिस स्थान पर बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था वह बुद्धपुरा कहलाता था जो अब अपभ्रंश होकर दूधपुरा हो गया है। मोहम्मदपुर कुआरी, पूसा प्रखंड में स्थित मोहम्मदपुर कुआरी एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में मस्जिदों की सुंदरता देखते ही बनती है। समस्तीपुर बिहार के सभी मुख्य शहरों से राजमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। यहां से वर्तमान में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 3 राजकीय राजमार्ग गुजरते हैं। मुजफ्फरपुर मोतिहारी होते हुए लखनऊ तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 103 जिले को चकलाल शाही जंदाहा चक सिकंदर होते हुए वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से जोड़ता है। हाजीपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर महात्मा गांधी सेतु से होकर राजधानी पटना जाया जाता है। वहीं समस्तीपुर भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण जंक्शन भी है। यह पूर्व मध्य रेलवे का एक मंडल है। दिल्ली गुवाहाटी रूट पर स्थित रेल लाइनें एक ओर शहर को मुजफ्फरपुर हाजीपुर छपरा होते हुए दिल्ली से और दूसरी ओर बरौनी कटिहार होते हुए गुवाहाटी से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त यहाँ से मुंबई चेन्नई कोलकाता अहमदाबाद जम्मू अमृतसर गुवाहाटी तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों से सीधे ट्रेन उपलब्ध है। वहीं अगर वायु मार्ग की बात करें तो समस्तीपुर का सबसे निकट हवाई अड्डा पटना है जो कि लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। आपको यहां से अंतर्देशीय तथा सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।